फाइनली इलॉन ने सही डिसीजन लिया और सारे बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को उनका ब्लू टिक वापस कर दिया है, एटलीस्ट उनका वापस कर दिया है जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा है। जैसे हमारे पीएम हो गए, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा हो गए, अगर इनके पास ब्लू टिक नहीं होगा, इनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियल अकाउंट है या नहीं है। फ्रेंड्स, इलोन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, ट्विटर के साथ तो यार मतलब गेम ही हो रहा है, कभी ब्लू टिक हटाया जा रहा है, कभी ब्लू टिक लाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट मंथ ही ट्विटर ने ये अनाउंस किया था कि अगर आपको आपके अकाउंट पे ब्लू टिक चाहिए एंड वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो आपको ट्विटर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का प्राइस डिसाइड करके $8 रखा गया है, और अगर आप इंडिया में बात करो तो 900 आपका मोबाइल का प्राइस है एंड 650 रुपीज आपका वेब वर्जन का प्राइस है। फ्रेंड्स, इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है वो बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, और ऐसे ही एक बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया 1 अप्रैल को ब्लू टिक हटाने का। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे जिन अकाउंट्स को ब्लू टिक मिलता है वो अकाउंट्स वेरीफाइड होते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेने का लास्ट डेट था 20 अप्रैल, सो अगर आप 20 अप्रैल के इवनिंग तक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपका ब्लू टिक नहीं हटेगा, अगर आप नहीं लेते तो आपका ब्लू टिक हट जाने वाला था। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास तो यार ब्लू टिक है ही नहीं, तो मुझे टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने 20 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, 21 की मॉर्निंग में उनका ब्लू टिक हटा दिया गया, और मैं आपको बता दूं कि इसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, इन सब लोगों के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया था 21 की मॉर्निंग में। मैं आपको बता दूं कि साथ में बहुत बड़े बड़े लोग जैसे बिल गेट्स एंड रतन टाटा का भी ब्लू टिक हटा दिया गया था। हालांकि हमारे बिग बी ने सब्सक्रिप्शन तो टाइम पे ले लिया था, बट स्टिल उनका ब्लू टिक हटा दिया गया था, तो उन्होंने ट्विटर को ट्वीट करके बोला था कि मैंने पेमेंट कर दी है और प्लीज मेरा ब्लू टिक वापस कर दिया जाए, देन उनको वेरीफाइड अकाउंट मिल गया था। फ्रेंड्स, ये तो थी ब्लू टिक हटाने की स्टोरी। अब मैं आपको बता दूं कि कल फिर से एक नई अनाउंसमेंट हुई है, एक नया रूल आया है कि जिन सेलिब्रिटीज के फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा है उनका ब्लू टिक वापस कर दिया जाएगा, और आज मॉर्निंग से सारे सेलिब्रिटीज का ब्लू टिक वापस आ गया है जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो रूल बनाया गया है, ये जो अनाउंसमेंट हुई है इलोन के साइड से, ये बहुत ही रिस्की है, सबसे ज्यादा रिस्की है ये सेलिब्रिटीज के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, जैसे हमारे पीएम हो गए, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा हो गए। अगर इनके पास ब्लू टिक नहीं होगा, इनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रियल अकाउंट है या नहीं है। अगर कोई इनका फेक अकाउंट बना लेता है इनके नाम से, हो सकता है कि वो अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा ले किसी टेक्निक के थ्रू, एंड देन वो एक फेक न्यूज़ डाल सकता है, कोई फेक पोस्ट कर सकता है, तो ये बहुत रिस्की है उन लोगों के लिए जो जिनके पास अकाउंट वेरीफाइड है और जिनसे हम उनको पहचानते हैं। बट चलो ठीक है, फाइनली इलॉन ने सही डिसीजन लिया और सारे बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को उनका ब्लू टिक वापस कर दिया है, एटलीस्ट उनका वापस कर दिया है जिनके फॉलोअर्स 1 मिलियन से ज्यादा है। फ्रेंड्स, मेरे पास तो ब्लू टिक है नहीं, अगर आपके पास ब्लू टिक है और आप भी कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिकल मेंबर नहीं हो या कोई बड़े आदमी नहीं हो, तो अपना ब्लू टिक बचाओ और पे करो।